गाइस आज मैं तोरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप देखें कि तोरई की सब्जी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी का मेरी किचन में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। आज मैं तोरई बनाने जा रही हूँ गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से ये तोरई बनाऊँगी। आप देखें कि मैं किस तरीके से ये तोरई बनाती हूँ। ये तोरी मैंने अच्छे तरीके से छील ली है और इसे अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको हम कट करते हैं। कट कैसे करते हैं हम दिखाते हैं। हमें इस तरीके से ये तोरी कट करनी है। ये तोरी हमें इस तरीके से सारी कट करनी है। ये तोरी हमने कट कर ली है, ये सारी तोरियां कट कर ली है। हमारी 500 ग्राम तोरियां थी और इसी तरीके से हमने एक में से चार चार छः छः जैसी थी, बड़ी थी बड़ी में से आठ करी हैं, छोटी थी उसमें से छः या चार कर ली हमने। अब इसको हम किस तरीके से बनाते हैं आपको दिखाएंगे गाइस। ये पहले हमने कढ़ाई रख ली है, अब कढ़ाई में हमें डायरेक्ट ही ये तोरी डाल लेनी है। ये हमने डालनी है सारी तोरियां। अब इसमें हम लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, अब इसमें डाल दिया। और एक ये हमने गाइस दरदरा सा इसे इमाम दस्ते में कूटा है, अब इसे सबको डाल देते। अब इसमें हम नमक डालते हैं, नमक में स्वाद अनुसार डालेंगे। वैसे गाइस इसमें हम आधी चम्मच ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम रेड मिर्च डाल रेड मिर्च आधी चम्मच ही डालेंगे, इसे ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि तोरी जरा सी हो जाएंगी ये पकने के बाद, इसलिए हम इसमें आधी चम्मच मिर्च डालेंगे। और इसके बाद हम धनिया पाउडर डालते हैं। धनिया पाउडर हमने आधी चम्मच ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हम हल्दी ऐड करते हैं। हल्दी हमें आधी से थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं। अब इसमें ऑयल जाएगा हमारा, ऑयल हम इसमें 100 ग्राम ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा 500 ग्राम है गाइस। छिलने मिलने के बाद ये 400 ग्राम ही करीब रह गया। अब इसमें हमने 100 ग्राम ऑयल डाला है, अब इसे अच्छे तरीके से हम चलाएंगे। यहाँ पर कोई पानी हमने ऐड नहीं करा है, इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि तोरी अपना ही पानी छोड़ देती है। अब इसे अच्छे तरीके से हम चलाएंगे और तेल इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि इसे हमें गाइस बिल्कुल चटका के बनाना है। और इसको हमने तो आधी किलो तोरी के हिसाब से ही इसमें हर चीज़ सामान जो भी है हमारा मिर्च धनिया वगैरह ऐड करा है हमने। अब इसे अच्छे चलाने के बाद इसे एक ढक्कन से हम ढक देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं 2 से 3 मिनट बाद। गाइस देखो इसमें कोई हमने पानी ऐड नहीं करा है, देखो इसने कितना पानी छोड़ दिया है। अभी गाइस थोड़ा सा और छोड़ेगी, इसके बाद अब इसे हम और ढक के रखने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं 5 से 6 मिनट बाद। गाइस अब चेक करते हैं कि हमारी तुरई हुई हैं या नहीं। ये इस तरीके से हो गई हैं, अब इसे हम चलाएंगे। इसमें कोई भी हमने पानी नहीं डाला है, ऐसे अच्छे तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से हो जाती हैं गाइस। अभी तो ये और चटकेंगी, चटकने के बाद हम फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हमारी तुरइयाँ हो जाएंगी। उससे पहले गाइस इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया हमने ऐड कर दिया है, इसी टाइम ही करना है हमें हरा धनिया ऐड। के बाद अच्छे तरीके से इसे चलाएंगे और ढक्कन से ढक के रख देंगे। गाइस ये तोरी हमारी देखो बनके तैयार हो चुकी है। देखो कितनी अच्छी लग रही है दिखने में भी और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप भी इसे एक दफ़ा इसी तरीके से बनाना। अब इसे हम डिस आउट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये हमें हमारी तोरी बनके किस तरीके से ये तैयार हुई है। गाइस ये तोरई की सब्जी हमारी बनके तैयार है। गाइस आपको मेरी तोरई की रेसिपी किस तरीके से लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और गाइस ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ही इसे ज़रूर बना के देखें। सिंपल तरीके से बनाइए गाइस बिल्कुल मैंने, और ये बहुत ही खाने में लजीज लगती है। और मेरे चैनल को गाइस आगे से आगे सपोर्ट करें। थैंक यू।